पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव ने जिला पंचायत के सभा कक्ष में अधिकारियों की बैठक लेकर ग्रामीण विकास से संबंधित कार्यों में प्रगति की समीक्षा करते हुए सभी निर्माण कार्यों को गुणवत्ता के साथ समय सीमा के भीतर पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया। प्रधानमंत्री सड़क निर्माण में प्रगति की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि सड़कों के निर्माण में गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। उनके द्वारा बारिश के पहले सड़क निर्माण कार्य को पूर्ण करने के लिए भी निर्देशित किया गया। नरवा कार्य की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि नरवा का कार्य परिणाम मूलक होना चाहिए तथा इसका आंकलन भी समय समय पर किया जाना चाहिए। नरवा के कार्य से जमीन का जल स्तर बढ़े और ग्रामीणों को सिंचाई सुविधा का भी लाभ मिले। आपको बता दें कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री टीएस सिंहदेव कांकेर के दौरे पर रहे। विश्राम गृह में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जन कल्याणकारी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। इस चर्चा में नव निर्मित मेडिकल कॉलेज पर विशेष रूप से बातचीत हुई। पखांजूर से विप्लव कुंडू की रिपोर्ट। सर, अगर समानता की बात करें तो लगातार ऐसा क्षेत्र में देखा जा सकता है कि अभी दुर्गा या कोई जैसे मूर्ति स्थापित करने के लिए नाराजगी की जाहिर किया जा रहा है, सर क्या कहेंगे आप? आज मूर्ति स्थापित होती है कि सर आंदोलन क्षेत्र में रोक लगाया जा रहा है? सर मेरे को मैं भी सीखना चाहूंगा कि पेशा का कानून देश में आज भी लागू है कि नहीं। पेशा का कानून तो लागू है, केवल नियम नहीं बने कि काम कैसा करना। तो पेशा के कानून में कहीं ये लिखा है कि मूर्ति पूजा नहीं होगी, कि दुर्गा जी की मूर्ति नहीं लगेगी, गणेश जी की मूर्ति नहीं लगेगी, कि शिव जी की मूर्ति नहीं लगेगी, कि पार्वती जी की मूर्ति नहीं लगेगी, केवल बूढ़ा देव की मूर्ति लगेगी, केवल सरना पूजा होगा, ऐसा कहीं पेशा नियम में है क्या? नहीं है। तो आपकी स्वतंत्रता है और ग्राम सभा पेशा नियमों के तहत ये सुनिश्चित करेगी कि सभी समुदाय और समाज को पेशा नियम आएगा तो आप उसको पढ़ लेना।